तो बच्चों बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में इससे पहले हमने लेबनीज थ्योरम, मैकलॉरिन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम और इन सभी थ्योरम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में मैं बता चुका हूं और इन सभी थ्योरम को भी मैं प्रूफ कर चुका हूं, जैसा कि आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज हमने नया चैप्टर शुरुआत किया हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वैसे तो ये जो चैप्टर है वो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किए होंगे। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा क्या था। जैसा कि ये एक एक्स वाई प्लेन है और ये कोई कर्व है, ठीक है, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये एक कंटिन्यूस कर्व है। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कामा वाई वन, ठीक है। इस पॉइंट पी को टच करता हुआ अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। ओके, इस स्ट्रेट लाइन को हम इस कर्व का टेंजेंट कहेंगे, इसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट लाइन मीन्स स्पर्श रेखा। अब नॉर्मल क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पॉइंट पी से इस टेंजेंट पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, इसे हम n से कह दे रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इस कर्व का नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल लाइन, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये x एक्सिस के साथ साइन एंगल बना रहा, ठीक है, इस पॉइंट P को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ओके। तो अगर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ साइन एंगल बना रहा, तो अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन, ये क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टेन साइन इक्वल्स डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन। ओके, अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम ये कहें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो एक चीज़ आप पढ़े हैं कि जैसे कि अगर दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे ये मान लीजिए कि ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ठीक है, तो अगर ये दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब तो समझते ही हैं, इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है, तो अगर इस L1 लाइन का स्लोप अगर m है, तो इस L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमेशा होंगे, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा वन बाई माइनस डी वाई बाई
dx at x1 comma y1। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो अगर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे ये कहें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो और पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन से होकर के पास करती हो, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, और जब टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लास 12th में पढ़े होंगे इस चैप्टर को, तो भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो फिलहाल ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन कमा वाई वन, ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ओके, ये हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अगर यहां से बात ये की जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो मैं उसको भी यहां पे लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, तो यहां पे ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं यहां पे लिखा हुआ हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये हो जाएगा माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अगर आप प्रयास करें तो इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कामा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो यार ये निकल गया स्लोप ऑफ, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, कोई डाउट। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा जो न्यूमेरिकल के समय काम आएंगे, जैसा कि मैं अब इसको क्लीन कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात की जाए कि इफ इफ टेंजेंट इज पैरेलल, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन हल्का हल्का मैं खींचा हुआ हूं, इसका मतलब पैरेलल होता है, ठीक है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है कि टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है कि नहीं पैरेलल, इन दिस केस आप देख सकते हैं कि जो एंगल बन रहा वो जीरो होगा, एंगल जो जीरो होगा, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, सो
इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन ये हो जाएगा हमारा जीरो। ओके, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, केवल मैं समझाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन जीरो होगा ना, तो यहाँ पे जब हम जीरो रखेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन पे जो स्लोप होगा वो क्या मिल जाएगा, जीरो। तो अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या निकल जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे ना जीरो तो टोटल जीरो, तो फिर y माइनस वाई वन ये निकल गया हमारा y माइनस वाई वन इक्वल जीरो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कब, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर टू। ठीक है, इफ, अच्छा यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहें, या हम ये कहें कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब देख सकते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो इसमें आपका जो है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, तो आप जरा खुद सोचिए। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, जरा मैं फिगर बना दे रहा हूँ, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कुछ इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अगर है, तो यहां 90 रखेंगे तो 1 बाई जीरो इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा जीरो, तो ये होगा कुछ इस तरह से, तो हम इसको 1 बाई जीरो लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कहें या टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस का है, तो दोनों का बात बराबर आप समझिएगा। ठीक है, तो होगा इन्फाइनाइट, मतलब क्या कि 1 बाई जीरो ये होगा तो कुछ ऐसा, लेकिन ये इसे लिख सकते हैं 1 बाई जीरो। तो इन दिस केस अगर बात ये की जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हाट, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखिए 1 बाई जीरो अगर आप यहां पुट करेंगे 1 बाई जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई इधर करेगा तो x माइनस एक्स वन इक्वल जीरो। ठीक है, तो यार ये निकल गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये उस केस में निकला है जब टेंजेंट क्या हो, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या हम कहें कि y एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, अच्छा अब यही बात हम जो है कि नॉर्मल के लिए करते हैं, तो मैं इधर जो है ना उसको क्लीन कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है इफ नॉर्मल इच पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा इसका जरा फिगर आप अच्छे तरीके से जरा देखें तो क्या होगा, यदि नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, फिगर थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस के। ठीक है, तो नॉर्मल, यही नॉर्मल है ना, और ये टेंजेंट कहलाएगा। ये बताइए कि अगर नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब टेंजेंट क्या होगा,
टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका dy वाई बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये 1 बाई जीरो मतलब साइन एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, तो 1 बाई जीरो तो इसका क्या बनेगा माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या इसका रिवर्स हो जाएगा ना, जीरो होगा ना। अरे भाई इसका अगर dy वाई बाई डी एक्स 1 बाई जीरो तो इसका क्या होगा माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो, इसका भी रिवर्स हो जाएगा। ओके तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। इफ टेंजेंट इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कामा वाई वन इक्वल टू जीरो, मतलब ये हुआ कि डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कामा वाई वन एक्स वन कामा वाई वन इक्वल जीरो। तो अगर बात की जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हाट, ये तो आप क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करते हैं तो टोटल टर्म जीरो, बचा वाई माइनस वाई वन इक्वल जीरो। ओके अच्छा अगर इक्वेशन ऑफ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, सब आप नोट कर लीजिएगा ना, सब इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, अगर हम कहें कि इफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यदि नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब क्या होगा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसका स्लोप अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो है तो इस नॉर्मल का क्या होगा माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, इसके नीचे वन है तो ये वन बाई जीरो होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप अच्छे से इमेजिन करिए इस चीज़ को तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये कितना हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कामा वाई वन वन बाई जीरो, क्यों ऐसा है कि नहीं। ओके तो अगर यहाँ पे पुट करें वन बाई जीरो तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा ना, जीरो जीरो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स जीरो। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हाट एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स जीरो। ओके तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कुछ बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, जो है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं।